हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैरो वर्ल्ड। टैरो कार्ड के रहस्य मैं दोनों फ्रेंड्स मेष एरीज का निकाल रही हूँ। आपके गॉड आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, चलिए देखते हैं, सुनते हैं क्या हो रहा है। और लव एंड करियर बोथ का है और रिलीजन के लिए है। चलिए देखते हैं कार्ड्स के थ्रू आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, गॉड आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। एरीज के लाइफ में क्या चल रहा है, गॉड आप कैसे हेल्प करेंगे, चलिए देखते हैं। जो भी आप काम कर रहे थे आपको अप्रिसिएशन मिलने वाली है, खुश हो जाए, बहुत अप्रिसिएशन मिलने वाली है। जिस भी चाहे करियर को लेके, मैरिज को लेके, यानी हर चीज़ को आपने बैलेंस में लिया है। और बहुत कोई ऐसे हैं जो लास्ट 8 मंथ्स से कहीं ना कहीं स्टक थे, बहुत स्ट्रगल कर रहे हो अपने लाइफ में ऐसा मुझे लग रहा है। और करियर को लेके कहीं स्टक थे अगर एरीज, ऐसा मुझे लग रहा है, तो वो चीज़ आपने ना छोड़ा नहीं, आपने बोला कि मुझे हार नहीं मानना। एरीज ऐसे आप मुझे ऐसा लग रहा है। और आप परेशान जो नहीं होते हो जल्दी, परेशान हाने आती है, परेशानियां तो आती है, आई है। लास्ट 10 मंथ से तो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो आप, है ना, कि क्या होगा लाइफ में आगे, क्या नहीं। एरीज तो ये मैं कह दूं कि गॉड आपका एग्जाम ले रहे थे कि देखती हूँ, है ना, देखते हैं, गॉड देख रहे हैं कि क्या होगा आगे, क्या नहीं इन लोगों को। तो आपकी लाइफ बैलेंस में आ रही है, ठीक है एरीज। जब भी आप देखेंगे मैं ये जरूर कहूंगी कि बहुत जल्दी ही आपके लाइफ में बैलेंस आ रही है, चाहे वो लव लाइफ का हो, करियर लाइफ का हो, क्योंकि आपके थर्ड चक्रा जो है वो एक्टिव हो रहा है। बहुत स्टॉर्म, जैसे कहते हैं ना, थंडर ब्लास्ट होना या लाइफ में कुछ ऐसा तो हुआ है आपका, तो वो अब बैलेंस में आ रहा है। पेशेंस रखा हुआ था आपने, आप सोच रहे थे कि कब ठीक होगा, कब ठीक होगा। तो मोस्टली का मुझे ऐसा लग रहा है लास्ट 7 मंथ से तो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, है ना। और कि पेशेंस रखा हुआ था कि नहीं, मैं तो हार मानने वाला नहीं हूँ, मानने वाली नहीं हूँ, ऐसा मुझे लग रहा है, चाहे वो करियर के लिए हो, लव लाइफ। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, और उसी वजह से आपके मैं दिख गया ना, मुझे हार नहीं मानने वाले। और कार्ड्स भी आ गए एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, बहुत मजबूत हुआ दिल के, बहुत मजबूत हो और गॉड में बहुत बिलीव रखते हो, तो टेंपल पाथ का आया, तो अब बस स्टेप चढ़ने ही वाले हो अपने लाइफ में। इनकेस करियर को लेके कहीं स्टक थे, फाइनेंस को लेके कहीं स्टक थे, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ तो लाइफ में था। अपने तरीके से इसको रेजोनेट करें, जनरल रीडिंग है। और बहुत कोई ऐसे हैं जो कि देखो, मैन होल्डिंग अ हार्ट, आपका पार्टनर बहुत दिल से प्यार करता है आपको, ठीक है। अगर कोई ऐसा हो सकता है किसी का मैरिज हो गया फिर भी आप लोग वेट कर रहे थे, या आप कभी कभी क्वेश्चन आते हैं मुझे कि मैम मेरा पार्टनर अभी मुझे याद करता है या नहीं करता, या नहीं करती है या नहीं करती, तो मैं उनके लिए कहूँगी कि आपका पार्टनर आपको भूला नहीं है, याद करता है, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम होगी इस वजह से, अगर जिनका भी जनरल रीडिंग है इसलिए मैं कह रही हूँ। आपकी लाइफ में ब्लॉसम फ्ला, देखो मैं वुमेन एंड मैन बोथ का आया है कि आप लोग दो का पार्टनर आप जो भी है, वो लोग दोनों एक दूसरे को याद तो बहुत करते हो। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, मैन होल्डिंग अ हार्ट, ठीक है, बहुत पॉजिटिव आए हैं कार्ड्स। और लास्ट के 10 मंथ्स हो सकता है किसी किसी के लिए है ऐसा कुछ प्रॉब्लम था, तो वो बैलेंस में आ रही है क्योंकि आपने पेशेंस रखा हुआ था, आप मजबूत हो, बहुत अंदर से मजबूत। देखो फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम तो चली थी आपकी लाइफ में, बस गॉड पे जैसे बिलीव रखें, आपको लाइफ में विक्ट्री मिलने वाली है। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन का आया है डेक में, और मैं ये कहूँगी बहुत, देखो डोर टू वैल्यू भी आया है। तो अगर फाइनेंस को लेके स्टक थे, मोस्टली मुझे लग रहा है करियर को लेके स्टक हो एरीज, ये फाइनेंस को लेके परेशान हो रहे थे कि यानी पैसा आपके पास अगर आ भी रहा था ना, तो वो जमा नहीं हो पा रहा था, ऐसा मुझे लग रहा है। खर्च हो ही जा रहा था, कभी बीमारी में खर्च हो जा रहा है, कभी किसी चीज़ में खर्च हो जा रहा है, ऐसा फील हो रहा है। लेकिन सब चीज़ का लाइफ में अब पेशेंस जो आपने रखा था, वो पेशेंस आपका काम कर गया है, और आपका गॉड आपके देखो बैलेंस का आया है, और सबसे खुशी की बात है विक्ट्री आ गई, ठीक है। सबके लाइफ में अब मुझे लग रहा है, मोस्टली एरीज आपके लाइफ में आपके गॉड कह रहे हैं कि तुम्हें विक्ट्री मिलने वाली है, जो पेशेंस रखा था। और अभी भी आप बहुत कोई वर्क कर रहे हैं तो वर्क कर ले, पेशेंस रखा हुआ है, बिल्कुल मैं ये जरूर कहूंगी कि बहुत अच्छा है, और आपका लाइफ में विक्ट्री मिलने वाला है। देखो बिग हैप्पी चेंज, उसके बाद देखो मैंने कहा ना, आप मेरे शब्द मेरे
मैं कहती हूँ बस गॉड जो भी आप कहलवा रहे हो मेरे मुंह से, सबके लाइफ में, एरीज के लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस हो जाए, ठीक है, चाहे वो लव लाइफ का हो, करियर लाइफ का हो, उसके लिए दोनों के लिए मैं निकाल रही हूँ, ठीक है। बहुत मैंने कहा ना अभी थोड़ा सा किसी की, कोई को अभी भी स्टक है, इमीडिएट तो नहीं है किसी को भी, मैंने नहीं बोला इमीडिएट है, बट है, यानी कि अब नॉट द राइट टाइम, अभी बहुत, अभी थोड़ा सा और वर्क करना, ठीक है। इन द नियर फ्यूचर बिल्कुल होने वाला है आपके लाइफ में, एक्शन में अभी रहें, हो सकता है आप लोग कोई एग्जाम्स का तैयारी कर रहे हो, कुछ ऐसा कर रहे हो, और सिचुएशन आपका बिल्कुल इम्प्रूव कर रहा है, मेडिटेशन करते रहें, ऐसा मुझे लग रहा है कि कार्ड्स के थ्रू दिख रहा है कि आप लोग के लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं। चलिए देखते हैं और गॉड क्या आपसे कहना चाह रहे हैं और कैसे क्या करना है, बस ये समझ लें एक्शन में रहना है आपका, सिचुएशन आपकी इम्प्रूव हो रही है, इन द नियर फ्यूचर आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं, बस गॉड आपके इनविजिबल वे में खड़े हैं, ठीक है, इसलिए आपकी लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं। बिल्कुल फ्री हो रहे हो आप, कुछ किसी चीज़ से आपको फ्री होना था, ऐसा मुझे लग रहा है, कुछ ना कुछ तो आपके लाइफ में फ्रीडम मिलने वाली है, ठीक है, कहीं स्टक थे अगर लाइफ में तो फ्रीडम मिल रही है। और बहुत अच्छा है, आपका सरप्राइज होने वाले हो, कुछ अच्छा चीज़ मिलने वाला है आपकी लाइफ में, खुशियाँ आ रही है, ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं इन द नियर फ्यूचर आपको, बहुत कुछ आपका जो पार्टनर है बहुत खुशियाँ देगा, मुझे ऐसा लग रहा है आपका पार्टनर ही आपको खुशियाँ देने वाला है, ठीक है, आप सरप्राइज होने वाले हो ऐसा मुझे लग रहा है, और बहुत खुशियाँ हैं आपकी लाइफ में, पॉजिटिव रहना है, लेकिन यही ध्यान रखना है पॉजिटिव रहना है, लास्ट के जो भी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी अब खत्म हो गया है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो था लेकिन बिग हैप्पी चेंजेस आए हैं, इसलिए मैं ये कहूँगी कि आपकी लाइफ में खुशियाँ हैं, बैलेंस में भी लाइफ आ रही है, पॉजिटिव रहना है, जब भी देखेंगे उसके बाद से ये है, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि लास्ट 8 मंथ से 10 मंथ से बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी, वो सारी चीज़ का सॉल्यूशन निकल रहा है, आपके गॉड कह रहे हैं कि जो रास्ता चूज़ किया है गॉड का, जब भी आप उपाय कर रहे थे या पूजा कर रहे थे कुछ भी, वो चीज़ करते रहें और आपका फलित होने वाला है, ठीक है। पसंद आता तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि किसी और का बुलाओ, फ्रेंड्स थैंक यू, और ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस करें ताकि और भी मेरे वीडियोज़ आपको मिलते रहें।